हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ऑल ऑफ यू जीवन एजुकेशन में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और हम बात कर रहे थे बी पी सी सी एच एन के रिगार्डेड और उसके रिगार्डेड जो ब्रिज कोर्स हैं सी एच ओ का जो ब्रिज कोर्स है उसके रिगार्डेड जो भी सिलेबस था उसको हम आ, सेशन वाइज डिस्कस कर रहे थे जिसके अंदर लास्टली कुछ सेशन हमने डिस्कस किए और फर्स्ट चैप्टर ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुका था और आज सेकेंड चैप्टर की ये लास्ट क्लास हम डिस्कस करने वाले हैं जिसके अंदर हेल्थ से रिगार्डेड ये टॉपिक था आप देख सकते हैं हेल्थ केयर प्लानिंग्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर एट वेरियस लेवल डिफरेंट डिफरेंट लेवल अलग अलग लेवल पर पहले हमने विलेज लेवल की बात की फिर आ, विलेज लेवल के बाद हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात की डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद हमने स्टेट लेवल की बात की स्टेट लेवल के बाद आज हम इस सेशन के अंदर नेशनल लेवल की बात करेंगे कि हेल्थ केयर प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन किस किस तरीके से होता है कहाँ पर किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन हुआ है लास्टली ऑलमोस्ट सभी सेशन आपको समझ आ गए होंगे और आज एक नेशनल लेवल की अपन बात करने वाले हैं यानी लास्टली हमने देखा कि सब सेंटर में हमने जो भी हेल्थ एंड सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है उसके बारे में डिस्कस किया देन हमने पी पर जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है उसके बारे में डिस्कस किया देन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर यानी सी पर जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है उसके बारे में डिस्कस किया देन हमने स्टेट लेवल का जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में डिस्कस किया देन स्टेट लेवल के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस किया और आज फाइनली सेकेंड यूनिट का लास्ट सेशन हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल लेवल पर हेल्थ एजुकेशन नेशनल लेवल पर हेल्थ फैसिलिटीज नेशनल लेवल पर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन किस किस तरीके से होता है कहाँ पर किस लेवल पर किस तरीके से हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो अपन डिस्कस करने वाले हैं आज के इस सेशन के अंदर तो वीडियो को अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दे ताकि आने वाली हर जानकारी आप तक पहुंच सके जिससे आगे भी हमारे साथ आप जुड़कर इन स्पेशल सेशन का बेनिफिट ले सके और सभी फ्रेंड्स को इनको शेयर कीजिएगा जो भी सी एच ब्रिज कोर्स के अंडर है यानी जो भी ट्रेनिंग पीरियड में है चाहे वो कहीं का भी सी एच हो भाई जरूरी नहीं है राजस्थान का ही सी एच हो कहीं का भी सी एच हो हर जगह सिलेबस यही पढ़ना है पैटर्न यही पढ़ना है ठीक है तो शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्लासेज को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का सेशन हम डिस्कस करने वाले हैं जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है हेल्थ सर्विसेज हैं नेशनल लेवल पर यानी नेशनल लेवल के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल लेवल का जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो किस प्रकार से होता है किस प्रकार से हैं वो अपन डिस्कस करने वाले हैं तो बने रहें लास्ट तक पूरा समझने की कोशिश करें देखिए फ्रेंड्स ये थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि इसके अंदर थोड़ा एक एक तरीके से कहते हैं कह सकते हैं कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पर थोड़ा सा ध्यान से आप समझेंगे तो पूरा अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप हेल्थ पर्सनल हो सी हो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हो तो आपको ये ऑर्गेनाइजेशन याद होने चाहिए ठीक है प्रैक्टिकली मान के चले थ्योरेटिकल मान के चले एग्जाम देने के हिसाब से आप देखिए कैसे भी देखिए पर आपको ये याद होने चाहिए और आई थिंक एग्जाम को लेकर ही आपको ये याद नहीं करना है बाकी आपको लाइफ लॉन्ग आपको याद रखना है ये क्योंकि काफ़ी काम आएगा आपके रिगार्डेड ठीक तो uh, है तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं नेशनल लेवल पर जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है हेल्थ फैसिलिटीज़ है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑफिशियली ऑर्गन ऑफ हेल्थ सिस्टम एट द नेशनल लेवल कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट यानी अब ऑफिशियली ऑर्गन की अपन बात करें जो हेल्थ सिस्टम है नेशनल लेवल पर जो हेल्थ सिस्टम है उसके रिगार्डेड अपन ऑफिशियली ऑर्गन की बात करें तो तीन ऑर्गन यहाँ पर आपके सामने हैं तीन ऑर्गन यहाँ पर आपके सामने हैं कौन कौन से ऑर्गन हैं इनके बारे में देखिए यानी तीन बॉडीज आपको, आपको याद रखनी है मोस्ट ऑफ दी फर्स्ट बॉडी आपको याद रखनी है द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ंड फैमिली वेलफेयर फर्स्ट बॉडी आपको याद रखनी है काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है नेशनल लेवल पर काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सबसे मेन और इंपॉर्टेंट बॉडी है उसके बाद सेकेंड बॉडी की अपन बात करें सेकेंड बॉडी है द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज सेकेंड बॉडी है और थर्ड बॉडी है द सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर देखिए फ्रेंड्स आप साथ में रिपीट करते जाए इनको ताकि साथ में आपको याद रह जाए क्योंकि आप किसी भी फील्ड से हो सकते हो आप जी से हो बी आपने किया हो एमएससी भी किया होगा तो कुछ को तो समझ में आ जाएगा जो जी करके आए उनको थोड़ा सा Uh, कम समझ में आता है क्योंकि अपन इंग्लिश मैटर की बात कर रहे हैं इंग्लिश पैटर्न की बात करें और आपको इंग्लिश पैटर्न में ही आगे लिखना होगा एक दो कमेंट्स मेरे पास मिले थे कि सर अब तो एग्जाम जो ऑब्जेक्टिव बेसिस पे होगा तो अभी तक ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव बेसिस पे होगा जैसे ही इसका ऑफिशियली लेटर आ जाएगा आपको बता दिया जाएगा जब तक कि आपके लिए सब्जेक्टिव ही क्वेश्चन पेपर होगा सब्जेक्टिव तरीके से ही आपको पढ़ना होगा जैसे ही लेटर आ जाएगा आपको ऑब्जेक्टिव तरीके से पढ़ाना शुरू कर दूंगा बाकी uh, मुझे नहीं लगता है कि आपका पेपर वापस से अब ऑब्जेक्टिव की बात आएगी क्योंकि सब्जेक्टिव ही पेपर करवाता है जो भी एग्जाम करवाता करवाता है कर है है सब्जेक्टिव ही ठीक तो ये जो भी नेगेटिव फीलिंग्स माइंड में आती है कोई नेगेटिव आप बात करते हैं तो आप उसका इग्नोर कर दे उसको इग्नोर कर दे आप पॉजिटिव बने रहे और कंटिन्यू अपने सेशन को पढ़ते रहे और अपने स्टडी पर ध्यान देते रहे तो चलिए देख रहे हैं अपने नेशनल लेवल पर तो नेशनल लेवल पर बेसिकली ये तीन ऑर्गन है जो कि एक हेल्थ सिस्टम के अंदर होते हैं कौन कौन से ऑर्गन है फर्स्ट वन ऑर्गन है द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सेकेंड ऑर्गन है द डायरेक्ट्रेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज और थर्ड ऑर्गन है द सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अब वन बाय वन थोड़ा सा इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में अपन समझते हैं बाकी डिटेल इसकी आपको नहीं लेना है ज़्यादा जानकारी आपके सिलेबस में नहीं है केवल हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया है कि इसके अंदर तीन बॉडीज हैं तीन ऑफिशियली ऑर्गन बॉडीज़ हैं तीन ऑर्गन हैं हेल्थ है सिस्टम के रिगार्डेड नेशनल लेवल पर इन तीनों के रिगार्डेड कुछ ऑर्गेनाइजेशन हम देखते हैं बस उसके बाद ये चैप्टर ये यूनिट आपकी फिनिश हो जाएगी तो देखिए क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन है किस तरीके से एक फ्लो चार्ट आपके सामने दिया हुआ है इसके बारे में हम पढ़ते हैं तो सबसे फर्स्ट वन और मेन बॉडी आपके पास थी मेन बॉडी आपके पास थी क्या बॉडी थी मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ये फर्स्ट बॉडी आपकी थी और इस फर्स्ट बॉडी के रिगार्डेड हम देखते हैं कि क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन होता है क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन है तो सबसे फर्स्ट वन हम देख रहे हैं मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसके रिगार्डेड सबसे फर्स्ट वन इसके अंदर कैबिनेट मिनिस्टर होता है कौन होता है कैबिनेट मिनिस्टर होता है ध्यान रहे कैबिनेट मिनिस्टर ये जो फ्लो डायग्राम हम देख रहे हैं इसका मीन्स ये समझ के चलिए हायर ऑथोरिटी से लेकर हम लोअर ऑथोरिटी तक चल रहे हैं यानी मेन पावर से लेकर यानी पावर से लेकर चल रहे हैं अपन जिसके पास सबसे ज्यादा पावर है सबसे ऊपर है जो नीचे नीचे चलते जाते हैं उसके पास पावर कम होती जाती है यानी हायर ऑथोरिटी से अपन लोअर ऑथॉरिटी तक चल रहे हैं तो सबसे फर्स्ट वन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर होता है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर होता है कौन होता है कैबिनेट मिनिस्टर होता है और कैबिनेट मिनिस्टर जो भी ऑर्गेनाइजेशन करवाता है जो भी रूल रेगुलेशन बनवाता है जो भी पॉलिसीज बनवाता है वो आगे जाकर फॉलो अप करवाया जाता है किससे मिनिस्टर ऑफ स्टेट से, से यानी स्टेट के मिनिस्टर से फॉलोअप करवाया जाता है देन डिप्टी मिनिस्टर से देन डिप्टी मिनिस्टर यानी सबसे फर्स्ट वन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर देन कैबिनेट मिनिस्ट्री देन मिनिस्टर ऑफ स्टेट और देन डिप्टी मिनिस्टर्स यहाँ तक आने के बाद ये डिप्टी और मिनिस्टर यहाँ से तीन डिपार्टमेंट में एक डिवाइडेड किया जाता है तीन डिपार्टमेंट में ये डिवाइड किया जाता है फर्स्ट वन डिपार्टमेंट है इसका डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ठीक है कहाँ तक अपन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से आ रहे हैं सबसे फर्स्ट वन कैबिनेट मिनिस्टर देन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ दैन डिप्टी मिनिस्टर डिप्टी मिनिस्टर के बाद ये तीन ऑर्गन में तीन डिपार्टमेंट में डिवाइड हो जाता है फर्स्ट वन डिपार्टमेंट है यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ सेकेंड वन डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर थर्ड वन है डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथिक क्या है डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथिक यहां से ये डिवाइड हो जाता है अब इनको बारी बारी से हम देखते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के अंदर क्या क्या होता है डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर के अंदर क्या क्या होता है और डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथिक के अंदर क्या क्या होता है तो सबसे फर्स्ट वन हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट और फर्स्ट पार्ट है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ फर्स्ट पार्ट है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ तो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के रिगार्डेड हम देखें तो यहाँ पर होता है सेक्रेटरी हेल्थ ठीक है यहाँ पर कौन होता है सेक्रेटरी सेक्रेटरी के बाद एडिशनल सेक्रेटरी होता है क्या होता है डिपार्टमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के अंदर सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ यानी हेल्थ सेक्रेटरी होता है कह सकते हैं अपन हेल्थ सेक्रेटरी उसके अंडर होता है एडिशनल सेक्रेटरी उसके अंडर होता है ज्वाइंट सेक्रेटरी उसके अंडर होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज यानी कह सकते हैं डी जी एच एस क्या होता है डी जी एच एस किसके अंडर होता है सर ये जॉइंट सेक्रेटरी के अंडर होता है जॉइंट सेक्रेटरी किसके अंडर होता है सर एडिशनल सेक्रेटरी के अंदर होता है एडिशनल सेक्रेटरी किसके अंडर सेक्रेटरी हेल्थ सेक्रेटरी के अंदर होता है और हेल्थ सेक्रेटरी कहाँ पर होता है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के अंदर होता है यानी फोलो अप समझ में आ रहा होगा आपको डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ उसके अंदर हेल्थ सेक्रेटरी देन एडिशनल सेक्रेटरी देन ज्वाइंट सेक्रेटरी देन डी जी एच एस डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज देन एडिशनल डायरेक्टर्स ऑफ जनरल एडिशनल डायरेक्टर्स ऑफ जनरल ये हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर फॉलो अप आपको याद रखना है क्या रखना है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के अंदर ये फॉलो अप याद रखना है कैसे डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के अंदर सबसे ऊपर सेक्रेटरी देन एडिशनल सेक्रेटरी देन ज्वाइंट सेक्रेटरी दैन डायरेक्टर जनरल ऑफ़ हेल्थ सर्विसेज दैन एडिशनल डायरेक्टर ऑफ जनरल ये याद रखना है इसी तरीके से फॉलोअप आपको याद रखना है कन्फ्यूज़न नहीं होना है बिल्कुल भी थोड़ा सा कॉमनली कॉमनली पॉइंट है यहाँ पर कॉमन कॉमन है थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज नहीं होना है बस ईजी से इनको समझना है और ईजी से आपको याद रखना है ज़्यादा कुछ uh, uh, मतलब यहाँ पर कचरा आपको याद नहीं रखना है केवल इतना सा जो फॉलोअप आपको बताया है फोलोअप फ्लो चार्ट आपको बता रहा हूं वो आपको याद रखना है और एक्स्ट्रा में कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है तो फर्स्ट डिपार्टमेंट आपका क्लियर आई थिंक फर्स्ट डिपार्टमेंट आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा अब सेकंड डिपार्टमेंट अपन देख लेते हैं सेकंड डिपार्टमेंट हम देख लेते हैं सेकंड डिपार्टमेंट के अंदर क्या क्या है देखिए सेकंड डिपार्टमेंट के अंदर है डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर सेकंड डिपार्टमेंट है इसके अंदर डिवाइड किया हुआ है दो पार्ट इसके अंदर दो पार्ट में इनको डिवाइडेड किया हुआ है फर्स्ट पार्ट है चीफ डायरेक्टर फर्स्ट पार्ट है चीफ डायरेक्टर और सेकेंड पार्ट है जॉइंट डायरेक्टर या ज्वाइंट सेक्रेटरी ठीक है यानी डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर के अंदर दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है फर्स्ट वन पार्ट है चीफ डायरेक्टर सेकेंड वन पार्ट है जॉइंट सेक्रेटरी इतना सही आपको याद रखना है उसके अलावा आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा अब आगे बढ़ते हैं थर्ड डिपार्टमेंट हम देखते हैं आगे बढ़ते हैं और थर्ड डिपार्टमेंट हम देखते हैं थर्ड डिपार्टमेंट क्या है डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होमोपैथी इसके अंदर सेक्रेटरी होता है इसके अंदर क्या होता है सेक्रेटरी होता है और सेक्रेटरी आगे जाकर डिवाइडेड होते हैं सेक्रेटरी आगे जाकर डिवाइड रहता है फर्दर डायरेक्टर ऑफ आयुर्वेदा एंड सिद्धा यानी आयुर्वेदा और सिद्धा के अंदर जो डायरेक्टर होता है वो होता है और दूसरा जो पार्ट है दूसरा जो पार्ट है वो होता है दूसरा जो पार्ट है वो होता है ज्वाइंट सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी किसका इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ज्वाइंट सेक्रेटरी किसका इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो कि यहां पर लिखा हुआ है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन का ज्वाइंट सेक्रेटरी होता है ठीक है याद रखें तो आई थिंक तीनों डिपार्टमेंट आपको समझ में आ गए होंगे एक बार फिर से ब्रीफली मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ सबसे फर्स्ट वन सबसे फर्स्ट वन आप देखिए सबसे फर्स्ट वन यहां पर होता है जस्ट अंग जस्ट सबसे फर्स्ट वन यहाँ पर होता है मिनिस्टर ऑफ़ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर उसके अंदर कैबिनेट मिनिस्टर उसके अंदर मिनिस्टर ऑफ़ हेल्थ उसके अंदर डिप्टी मिनिस्टर यहाँ से तीन डिपार्टमेंट में कन्वर्ट होता है डिपार्टमेंट ऑफ़ हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ़ फैमिली वेलफेयर और डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी ठीक है यहाँ से फर्स्ट डिपार्टमेंट के अंदर बात बात करें अपन डिपार्टमेंट ऑफ़ हेल्थ के अंदर ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ यानी हेल्थ सेक्रेटरी देन एडिशनल सेक्रेटरी देन ज्वाइंट सेक्रेटरी देन डी जी एच एस डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज और देन एडिशनली डायरेक्टर जनरल ये होता है उसके अंदर सेकेंड डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर के अंदर दो पार्ट आपको याद रखने हैं फर्स्ट वन याद रखना है चीफ डायरेक्टर सेकेंड वन आपको याद रखना है जॉइंट सेक्रेटरी ठीक है आई थिंक सेकेंड डिपार्टमेंट क्लियर थर्ड डिपार्टमेंट की बात करें डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी यहाँ पर सेक्रेटरी होता है और सेक्रेटरी आगे जाकर फर्दर ही डिवाइडेड करता है फर्दर ये डिवाइडेड रहता है डायरेक्टर ऑफ आयुर्वेदा और सिद्धा आयुर्वेदा और सिद्धा के अंदर जो डायरेक्टर होता है वो होता है उसके अलावा ज्वाइंट सेक्रेटरी होता है कहाँ कहाँ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन का जॉइंट सेक्रेटरी इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन का जॉइंट सेक्रेटरी आई थिंक अब तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको याद रखना है अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको ज़्यादा लिखना नहीं है यहाँ पर नेशनल लेवल पर तीनों बॉडीज आपको लिखनी है कौन कौन सी बॉडी फर्स्ट वन बॉडी लिखनी है द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सेकेंड वन लिखनी है द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ हेल्थ सर्विसेज एंड डी जी एच एस उसके बाद याद रखना है सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और ये जो डायग्राम है जो फ्लो आ, फ्लो चार्ट है ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको बनाना है आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा ठीक है आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा ये ऑर्गेनाइजेशन यह ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सर्विसेज का नेशनल लेवल पर जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सर्विसेज होती है उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है और आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि अपनी नोटबुक साथ रखें ताकि आप इनको साथ में नोट करें क्योंकि जो साथ में आप पढ़ते रहेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा और बाद में आप पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन होगा ठीक है तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा आगे बढ़ते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन और अपन पढ़ते हैं उसके बाद सेशन को फिनिश करेंगे एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो अपन पढ़ते हैं ये भी नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन ही है यहाँ पर सेंट्रल लेवल की अपन बात करते हैं यहाँ पर सेंट्रल लेवल की अपन बात करते हैं और सेंट्रल लेवल पर देखिए सेंट्रल लेवल और सेंट्रल लेवल से ये तीन पार्ट में डिवाइडेड रहता है तीन बॉडीज में ये डिवाइडेड रहता है सेंट्रल लेवल से फर्स्ट बॉडी देखिए आप फर्स्ट बॉडी में डिवाइडेड है यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर क्या है यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर फर्स्ट पार्ट है सेकेंड पार्ट में देखिए अपन सेकेंड पार्ट है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज जो जस्ट अब अभी अपन ने स्टार्ट किया था तब बताया था मैंने वही पॉइंट है यहाँ पर वही ऑर्गेनाइजेशन है बता दू आपको जो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर स्टार्ट किया है वही ऑर्गेनाइजेशन है फर्स्ट वन बॉडी बताया था अपने कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सेकंड बताया था डीजीएचएस जी जनरल ऑफ़ हेल्थ सर्विसेज और थर्ड वन बताया था द सेंट्रल काउंसिल ऑफ़ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जस्ट लाइक वही ऑर्गेनाइजेशन आपके सामने है आप समझने की कोशिश करें पढ़े इसको ठीक है ध्यान से समझने की कोशिश करें आपको ईजिली समझ में आ जाएगा तो फर्स्ट बॉडी है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सेकंड बॉडी है डायरेक्ट्रेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज एंड डी और थर्ड वन बॉडी है काउंसिल ऑफ हेल्थ ठीक है अब इनको वन बाय वन पढ़ते हैं सबसे फर्स्ट वन हम वन बाय वन देख लेते हैं थर्ड वाला पॉइंट आप देख लीजिएगा ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो थर्ड वाला पॉइंट आप देख लीजिएगा काउंसिल ऑफ हेल्थ के अंदर काउंसिल ऑफ हेल्थ के अंदर नॉर्मली आपको दो पॉइंट याद रखना है फर्स्ट वन पॉइंट याद रखना है यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ या क्या याद रखना है यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ यानी चेयरपर्सन या, या चेयरमैन उसके अलावा आपको याद रखना है स्टेट मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ठीक है काउंसिल ऑफ हेल्थ के अंदर दो पॉइंट याद रखना है यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ और स्टेट मिनिस्टर ऑफ हेल्थ दो मिनिस्टर यहां पर आपको याद रखें किसके अंदर काउंसिल ऑफ हेल्थ के अंदर यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ याद रखना है और स्टेट मिनिस्टर ऑफ हेल्थ याद रखना है बस इतना सा याद रखना है उसके बाद सेकेंड अपन बात करें सेकेंड बॉडी का अपन बात करें तो डायरेक्ट्रेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज यानी डी जी एच एस डी जी एच एस के अंदर आप क्या याद रखेंगे इसके अंदर तीन पॉइंट आपको याद रखना है फर्स्ट वन पॉइंट याद रखना है डायरेक्टर काउंसिल ऑफ हेल्थ सर्विसेज डायरेक्टर्स काउंसिल ऑफ हेल्थ सर्विसेज नेक्स्ट याद रखना है एडिशनल डायरेक्टर ऑफ एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज फर्स्ट पॉइंट क्या याद रखा डायरेक्टर डायरेक्टर काउंसिल ऑफ हेल्थ सर्विसेज सेकंड वन याद रखा एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज और थर्ड वन क्या याद रखा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ठीक है आई थिंक समझ में आ गया होगा अब फर्स्ट वन जो पॉइंट आपको याद रखना है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर के अंदर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन समझेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा समझने की कोशिश करें क्या इसके अंदर होता है तो देखिए सबसे फर्स्ट वन इसके अंदर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है हेडेड बाई यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ यानी इसका जो हैड होता है वो कौन होता है यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ होता है क्या होता है यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ होता है जो कि आगे फॉलोअप होता है मिनिस्टर ऑफ हेल्थ या मिनिस्टर ऑफ स्टेट ठीक है स्टेट हेल्थ मिनिस्टर अपन कह सकते हैं आगे जाकर ये फर्दर डिवाइड रहता है फर्दर आगे जाकर ये डिवाइड रहता है तीन पार्ट के अंदर कितने पार्ट के अंदर तीन पार्ट के अंदर फर्स्ट वन पार्ट है यहां पर सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सेकेंड वन पार्ट है फर्स्ट वन पार्ट हो गया सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सेकेंड पार्ट है सेक्रेटरी हेल्थ सेक्रेटरी हेल्थ रिसर्च कम डी जी आई सी एम आर ठीक है डी जी मीनस डीजी मींस डायरेक्टर जनरल डायरेक्टरेट जनरल आई सी एम आर मींस आई सी एम आर मींस इंडियन काउंसिल ऑफ इंडियन रिसर्च इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ठीक है क्या याद रखना है डायरेक्टरेट जनरल इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इतना याद रखना है ठीक है ये भी याद नहीं रहता तो इतना सा याद रखें सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ रिसर्च सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ रिसर्च और थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है सेक्रेटरी ऑफ आयुष यानी तीन डिपार्टमेंट मान के चलिए आप यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट के बाद तीन पॉइंट आप मान के चलिए फर्स्ट वन पॉइंट आपको याद रखना है सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर तीनों सेक्रेटरी यह ध्यान रखें तीनों सेक्रेटरी है कहां से अपन पढ़ रहे हैं एक बार फिर से मैं शुरू से बता रहा हूँ समझने की कोशिश करना है शुरू से मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ थोड़ा सा इमेज को ऊपर ले, ले लेते हैं आई थिंक क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा आई थिंक क्लियरली आपको दिख भी रहा होगा सबसे फर्स्ट वन आप देखिए यहाँ पर पॉइंट बारीक कर लेते हैं एक मिनट जस्ट अ मिनट देखिये सबको समझ में आ रहा होगा फर्स्ट वन अपन पढ़ रहे थे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर देन आगे जाकर इसका जो हेड होता है वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ होता है आगे जाकर ये फॉलो अप होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट हेल्थ से या स्टेट मिनिस्टर से कह सकते हैं अपन ये आगे जाकर डिवाइड रहता है तीन पार्ट के अंदर तीन सेक्रेटरीज यहाँ पर होते हैं क्या होते हैं तीन सेक्रेटरी होते हैं यहाँ से जो मिनिस्टर ऑफ़ स्टेट है वहाँ पर तीन सेक्रेटरी होते हैं फर्स्ट वन सेक्रेटरी होता है सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सेकेंड वन सेक्रेटरीज होता है हेल्थ रिसर्च के रिगार्डेड क्या होता है सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ रिसर्च या इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और थर्ड वन सेक्रेटरी होता है सेक्रेटरी ऑफ आयुष सेक्रेटरी ऑफ आयुष तीनों आप याद रखें इसी तरीके से तीनों आप इसी तरीके से आगे याद रखें आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया फिर आगे जाकर आगे जाकर जो फैमिली वेलफेयर वाला सेक्रेटरी है आगे जाकर जो सेक्रेटरी ऑफ़ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है वो आगे जाकर यहाँ पर एडिशनल सेक्रेटरी होता है यहाँ पर क्या होता है एडिशनल सेक्रेटरी होता है देन ज्वाइंट सेक्रेटरी होता है और देन एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है आई थिंक क्लियरली समझ में आया होगा एक बार फिर से रिपीट करते हैं एक बार फिर से रिपीट करते हैं, हैं यहाँ तक आप समझे एक बार फिर से थोड़ा सा मैं रिपीट करता हूँ आई थिंक फिर क्लियरली हो जाएगा सबसे फर्स्ट वन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ़ हेल्थ है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ़ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर उसका हेड होता है उसका हेड होता है यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ दैन फोलोअप होता है मिनिस्टर ऑफ हेल्थ या मिनिस्टर ऑफ स्टेट हेल्थ ठीक है मिनिस्टर ऑफ स्टेट हेल्थ जो आगे फर्दरी तीन सेक्रेटरीज यहाँ पर होते हैं आगे जाकर इसके अंदर तीन सेक्रेटरीज होते हैं फर्स्ट वन सेक्रेटरी ऑफ फैमिली वेलफेयर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सेकेंड वन सेक्रेटरीज होता है सेक्रेटरीज ऑफ हेल्थ रिसर्च थर्ड वन सेक्रेटरीज होता है सेक्रेटरीज ऑफ आयुष तीनों सेक्रेटरीज होते हैं यहाँ पर तीनों सेक्रेटरीज यहाँ से होते हैं ठीक है थीके? अब यहाँ से जो सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है वो आगे जाकर यहाँ पर एडिशनली सेक्रेटरीज होते हैं क्या होते हैं एडिशनली सेक्रेटरीज होते हैं और एडिशनली सेक्रेटरी के बाद जॉइंट सेक्रेटरी होता है जॉइंट सेक्रेटरी के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होते हैं आई थिंक अब क्लियरली समझ में आ गया होगा आई थिंक यहाँ तक जो ये फुल बताया मैंने आपको समझ आ गया होगा अगर फिर भी समझ नहीं आए तो वीडियो को एक बार फिर से देखे रिपीट करके देखें आपको समझ आ जाएगा अगर फिर भी नहीं आता है तो आप एक बार खुद अपने नोटबुक में इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाइए आपको समझ आ जाएगा अगर फिर भी नहीं आता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा आपको फिर से दोबारा से एक नया लेक्चर दूसरा ऑर्गेनाइजेशन बना के मोल्डेड करके एक इससे भी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बनाकर आपको समझाया जाएगा बस आपको इसी तरीके से जुड़े रहना है जीवन एजुकेशन के साथ और इसी तरीके से ये सेशन लेते रहना है और इन सेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसी तरीके से सेशन को शेयर करते रहे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है चैनल पर फर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि आगे भी आपको इसी तरीके से सेशन अवेलेबल हो सके और आई थिंक हेल्थ से रिगार्डेड जो भी सर्विसेज़ होती हैं अलग अलग लेवल पर अलग अलग लेवल पर जो भी सर्विसेज होती है आप सबको समझ आ गई होगी और आई थिंक ऑलमोस्ट जो ये चैप्टर है ये यूनिट है फिनिश हो गई है अगर फिर भी आपको लगता है कि इस यूनिट में कोई टॉपिक रह गया है तो आप कमेंट कर सकते हैं परेशान होने की ज़रूरत नहीं आपको वो वाला टॉपिक भी करवा दिया जाएगा अगर कुछ रहा है तो बट आई थिंक जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से था सारा कुछ आपको बता दिया गया है बस आपको थोड़ा सा विश्वास रखना है और कंटिन्यू इसी तरीके से बने रहना है तो आज के सेशन को यहीं पर अपन फिनिश करते हैं उम्मीद है सारा कुछ आपको समझ आ गया होगा लास्ट से लेकर अभी तक जो भी सेशन अभी हुए हैं जो भी कमेंट डाउट हैं आपका तो कमेंट कर सकते हैं बाकी आज के लिए इतना ही मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ बहुत ही जल्दी एक नए यूनिट के साथ जब तक के लिए बने रहे जीवन एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए शेयर नहीं किया तो कर दीजिए क्योंकि ये सब आपके लिए ही हैं थैंक यू वेरी मच